हैं हम। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी बहुत जल्द आ रहा है टाटा स्काई डीटीएच और नेटवर्क विजन के साथ कई लोकल नेटवर्क्स पर। मुखिया प्रत्याशी उम्मीदवार निर्वाचन संख्या 7 से सुरेश महतो ग्राम गरब नेली महतो टोला पंचायत घर दौर वार्ड नंबर 10 प्रखंड कस्बा जिला पूर्णिया। पंचायत के योग्य शिक्षित कर्मठ सहनशील और कर्मशील लोकप्रिय एवं समाज सेवा उम्मीदवार सुरेश महतो का चुनाव चिन्ह फूल छाप क्रम संख्या 5 पर नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। सुरेश महतो का कहना है कि मैं इसलिए मुखिया पद का चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मेरा चुनाव लड़ने की प्राथमिकता और उद्देश्य विकास शिक्षा स्वास्थ्य और समाज सेवा होगा। पंचायत स्तर के मुखिया पद के लिए विभिन्न प्रकार का सरकारी फंड मैं जनता के विकास के लिए लगाऊंगा। मैं मानवता के आधार पर विकास करूंगा, जैसे कि पेंशन की व्यवस्था, मवेशी व बकरी भवन की व्यवस्था, राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था, इंदिरा आवास योजना बीपीएल तथा गली नली में सोलिंग का विकास करवाऊंगा। सभी योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब जनता तक पहुंचाऊंगा। हर समय दुख और सुख में साथ रहकर समाज के विकास पर ध्यान रखूंगा। सिर्फ एक बार पंचायत वासियों से जीत का आशीर्वाद मांगता हूँ। पंचायत वासियों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो मेरे प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश महतो जी, घर बनेली महतो टोला और कस्बा प्रखंड से जो है हम घरदौर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं जी। और हम समाज के लिए जो है पूरा दिल से ये है कि हम इसमें जीतें और समाज का बीच हम रहें और सबको लेके हम चलें जी। सर, 2016 में भी आप चुनाव लड़ चुके हैं मुखिया पद का। 16 में भी हम लड़े हैं जी। सर, अगर आपको मुखिया के रूप में जनता चुन लेते हैं तो आपका पहला स्थान उद्देश्य क्या रहेगा पंचायत में? सारे लोगों का जो है जो भी सरकारी फंड आते हैं विकास का, उसमें जो हम उसको जो है घरे घर सबको पहुंचाएंगे और सबको जो है हम लेके साथ चलेंगे जी। जो कि परमानेंट हमको जो है फिर वो लेके चलें जी, आदर्श इससे जी, मुखिया प्रत्याशी से जी। जैसे सर, यहाँ का जनता, घरदौर का जनता आपको मुखिया से चुन लेते हैं, मुखिया का जीत आपको विजय हो जाता है, तो क्या आपका मतलब पंचायत में आपका उद्देश्य रहेगा? जैसे सर, ये जल नल योजना है, ये 7 निश्चय मनरेगा सड़क है, गली नली है, इंदिरा आवास योजना है, क्या ये सब पे आप क्या ध्यान दिए? सारी चीज़ उसको दिलाने का ये करेंगे। जहाँ बिजली नहीं है बिजली देंगे, जहाँ रोड नहीं है रोड देंगे जी, जिसको घर नहीं है घर देंगे जी। हर तरह का दुख सुख में उसका जो हम साथ रहेंगे जी। जितनी भी कहीं मरनी महरनी है उसमें ये रहेंगे, कहीं कोई बीमार पड़ते हैं उसके साथ चलेंगे, मतलब किसी भी तरह की समस्या में उनके हम साथ है और बीच में रहना चाहते हैं जी, पूरे जनता के बीच में जी। क्या सर, आपके पंचायत में इंदिरा आवास योजना कहाँ तक है, कहाँ तक बाकी है? पशुपालन सेट है, इंदिरा आवास से इंदिरा, ये पशुपालन सेट, बकरी चारा सेट, इंदिरा आवास योजना है, क्या ये संपूर्ण तरह से हुआ है कि बाकी है सर? नहीं तो अभी इंदिरा आवास जो है कुछ मिले हैं, इंदिरा आवास जो है बहुत बाकी है, और ये जो है जितना गाय और बकरी पालन सब है ये सब अभी जो है हमारे पंचायत में उस तरह का नहीं है। आप इंक्वायरी भी और जाँच भी कर सकते हैं। सर, क्या आप जनता से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मतलब हमें मुखिया का जीत प्राप्त कर दिया जाए, मुखिया से विजेता बना देते हैं यहाँ का जनता, तो मतलब हर घर तक आप लाभ पहुँचाएंगे इनसे? जी जी जी, घर घर लाभ पहुँचाएंगे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी बहुत जल्द आ रहा है टाटा स्काई डीटीएच नेट विजन के साथ साथ लोकल नेट।